सतगुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत दंडौत वंदनायनिक बास सर्व कला समरथ दोलन तेरा को प्रभु जन नानक दे कर हत आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस सदा सदा तेरा आसरा सदा सदा तेरी आस नम्रता दीनता से वर दीजिए मैं शरणागत प्यारी तासे अपना लीजिए बोले सच्चे दरबार की जय परम पूज्य परम आराध्य देव सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन चरणों में बैठी हुई प्यारी साथ संगत जी आज का मुबारक दिन बच्चे की शादी के उपलक्ष्य में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और भगवान जी के स्तुति गान कर रहे हैं महिमा गा रहे हैं। जीवन में यूँ तो बहुत मौके आते हैं आदमी की लाइफ में जब वो कभी कोई पार्टी मनाता है कोई खुशी मनाता है कोई फंक्शन करता है पर कभी कभार ऐसा मौका आता है जब हम भगवान जी के लिए फंक्शन करते हैं भगवान जी का आवाहन करते हैं उनको याद करते हैं उनकी संगत को बुलाते हैं ये सबसे बड़ा हमारे जीवन का भाग्यशाली उत्सव होता है तो भगवान को याद करना उनको बुलाना ये उत्सव है और हमारी सनातन परंपरा भी यही कहती है कि घर में जब कोई शुभ काम हो पहले संगत को बुलाओ सतगुरु को बुलाओ उनके प्यारों को बुलाओ और प्रभु का गुणगान करो तो जहाँ पे भगवान जी आके विराज करते हैं जहाँ पे संगत होती है वहाँ भगवान आते ही हैं तो जहाँ भगवान आते हैं उनकी एक दृष्टि मात्र से हमारे घर में रिद्धि सिद्धियाँ आ जाती हैं सभी देवी देवता आ जाते हैं आपके खजाने भरपूर हो जाते हैं कोई ये दावा नहीं कर सकता मैं बेटी का शादी करता हूँ मैं बेटे की शादी करता हूँ भगवान जी आते हैं वो शादी करते हैं महापुरुष कहते हैं नानक नगरी नजर निहाल भगवान क्या करते हैं नजरों से निहाल कर देते हैं जहां उनकी निगाह पड़ जाती है वो सारा वायुमंडल दिव्य हो जाता है जब सीता जी की शादी थी राजा भी घबरा जाते हैं और राम जी जैसे जहाँ पे दुल्हा हो आप सोचिए वहां पे एक शर्त थी कि जो धनुष तोड़ेगा उससे सीता जी की शादी होगी अब सारे राजा लगे पहले अलग लगे लगे फिर इकट्ठे लगे फिर हजारों लगे मगर धनुष टूटा ही जब नहीं टूटा तो महाराज जनक और महारानी सुनैना माँ सीता सब लोग घबरा गए कि ये तो बड़ी बड़ी कठिन शर्त है ये तो पूरी होने की है ही नहीं तो लगता है कि महाराज जनक कहते हैं बड़ी सभा में उठ के कह देते हैं कि सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाओ मेरी बेटी का तो शादी लिखी नहीं भगवान जी ने मुझसे गलती हो गई वहां पे रघुवंशी भी बैठे हैं राम जी बैठे हैं राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है सुन के चुप रहते हैं और इधर जब लक्ष्मण जो है वो सह नहीं सकते लक्ष्मण जी कोटि में आते हैं राम तो पार ब्रह्म परमेश्वर तो लक्ष्मण उठ के कहते हैं कि महाराज दशरथ जरा संभल के बोलिए आपका ये धनुष क्या है ऐसी धनुया तो हमने बचपन में बहुत तोड़ी है आप कहो तो मैं गेंद की तरह ये सारा ब्रह्मांड घुमा सकता हूँ ये क्या चीज है पर उनको इतना गुस्सा आता है वो उठ के चलने लगते हैं तो वहां पे महाराज विश्वामित्र बैठे हुए हैं संत बैठे हुए वहां पे उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्मण ने धनुष तोड़ दिया तो सारी रामायण बिगड़ जाएगी वाल्मीकि महाराज ने जैसे लिखा है वैसे ही तो प्ले करना है भगवान जी तो एक्टिंग करते हैं ना पहले प्ले बनता है महाराज बोलते भाई तुम बैठ जाओ अभी राम जी की बात तो राम जी उठ के खड़े होते हैं सब ऋषियों को नमन करते हैं सब राजाओं को नमन करते हैं और फिर राम सबको झुक के प्रणाम करते हुए धनुष के पास जाते हैं
राम जानते हैं ये धनुष सामान्य धनुष नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है। तो राम सबसे पहले धनुष को प्रणाम करते हैं, शिव को प्रणाम करते हैं कि प्रभु मुझ में कोई बल नहीं है, आप सब बलों के मालिक हैं, आपकी कृपा से ही ये टूटेगा। और राम स्पर्श करते हैं और इधर सीता जी स्मरण करती है माँ गौरी को, माँ आप ऐसी कृपा करो कि ये धनुष टूट जाए। इसकी गरुता का हरण कर लो, इसके भार को कम करो। तो क्या होता है, भगवान जी स्पर्श करते हैं और उसको उठाते हैं और धनुष टूट जाता है। खूब तालियां बजती है सब तरफ, सबकी चिंता का हरण होता है, महाराज जनक खुश हो जाते हैं, माँ सुनैना बहुत खुश है। तो महाराज विश्वामित्र कहते भाई आपकी शर्त पूरी हो गई, शर्त के मुताबिक अब जयमाला डालो। तो सीता अपनी सखियों के साथ जयमाला डालने के लिए जब जाती है तो सीता की हाइट छोटी है और राम जी बड़े लंबे सुंदर है बड़े। तो सीता जब माला पहनाने लगती है तो उनके हाथ नहीं जाते राम जी तक, तो माँ बड़ी परेशान है। पर राम जी झुक जाए ये भी नहीं संभव है, राम जी तो नहीं झुकेंगे। तो माँ क्या करती है, लक्ष्मण की तरफ देखती है कि लक्ष्मण आप शेष नाग हो, थोड़ा राम जी को मेरी जगह ऊंची कर दो धरती थोड़ी। लक्ष्मण ने कहा माँ ये तो नहीं होगा, धरती ऊंची होगी तो सारी हो जाएगी, राम और लंबे हो जाएंगे। अब सोचने लगती है लक्ष्मण कि माँ ने मेरी तरफ देखा इसका मतलब मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। लक्ष्मण दौड़ के जाते हैं, कहते भैया आपने धनुष तोड़ा और मैंने आपको बधाई नहीं दी, तो आपको मुबारक हो मुबारक हो, दंडवत प्रणाम कर देते हैं, लेट जाते हैं। अब लक्ष्मण लेटते हैं तो राम जी झुकेंगे ना, कोई आपको प्रणाम करे आप आशीष देने के लिए झुकते हो ना। तो राम जी झुकने लगते हैं, आशीर्वाद देते हैं लक्ष्मण को, तब तक मान जो है वो वरमाला पहना देते। मेरे कहने का मतलब है जब राम की वरमाला, राम जी नहीं आए थे तो उसको लगता था कि ये राजकुमार तो बड़ा नाजुक है, इसको तो मैंने कल भी देखा था, ये फुलवाड़ी में आया हुआ था और इससे तो फूल तोड़ने में पसीना हो रहा था, ये धनुष कैसे तोड़ेगा। जब तोड़ दिया तो जय जयकार होने लगती है, उसके बाद राम जी की शादी है। तो मेरे कहने का मतलब ये हमारी परंपराएं शुरू से चली आई हैं, राम जी से लेके भगवान शिव से लेके आप रामायण जी में सबकी शादी पढ़ते हो। तो ये शादी का मौका है, इस मौके पे सब लोग खुश हैं, भगवान जी आशीर्वाद दें, गुरु महाराज जी का अनन्य आशीर्वाद मिले, गुरु महाराज जी के चरणों में सबकी भक्ति बढ़े और अच्छी सुशील बेटी आए हमारे घर में, जो इस खानदान की परंपरा के अकॉर्डिंग भक्तिमय एटमॉस्फेयर में अपने जीवन को सफल बनाए। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है, सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।